अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को मेरे चैनल देसी मुर्गे एंड रैबिट फार्मिंग पर खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं ये वीडियो अपने चैनल पर रेगुलर अपलोड ना कर सका, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। सो फ्रेंड, मैं आपको आज दिखाऊँगा मेरे जो एस्ट्रोलोप के तैयार ब्रीडर तैयार होने वाले हैं, 4 मंथ 13 दिन इनकी एज है, तो मैं वो आपको आज दिखाऊँगा। तो फ्रेंड, ये है हमारे एस्ट्रोलोप ब्रीडर, जो मतलब ब्रीडर तैयार होने वाले हैं। इनकी एज तकरीबन 4 मंथ और 13 या 14 इसके लगभग कुछ इस तरह है। तो फ्रेंड, आप देख ले खुद, इसमें एक दो और ब्रीडर मतलब क्रॉस भी आए हैं, लेकिन RIR के जो होते हैं, लेकिन माशाल्लाह बाकी ब्रीड को आप देख सकते हो। फ्रेंड, मैं आपको इसकी क्वांटिटी बताता हूँ, लेकिन पहले आपको मैं अपनी ब्रीड दिखाऊँ। फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको मेरी ब्रीड पसंद आई होगी। सो फ्रेंड, बेसिकली ये मैंने 500 चिक्स लिए थे। आप मेरे चैनल पे पहले भी वीडियो अपलोड की थी, वो आप देख सकते हैं। ये मैंने पेशावर से, मैं आपको मतलब 400 फीमेल और 100 मेल इस रेशो से मैंने लिए थे, लेकिन ये पेशावर के एक बंदे ताहिर, उसका नाम है, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। तकरीबन कुछ 200 फीमेल थे और बाकी सारे मेल थे, लेकिन इंशाल्लाह उनको इन पैसों से चैन नहीं आएगा। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। जब मैंने उसे माल लिया तो ये कह के लिया था कि मुझे इतनी फीमेल दोगे, तो उसने कहा ठीक है इतनी फीमेल दूंगा, लेकिन फिर बाद में जब बात हुई तो वो कह रहा था कि मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे कह दिया कि जब समझ नहीं आ रही थी तो फिर बताया क्यों। तो फ्रेंड, आप भी जब माल लेते वक्त एहतियात करो। फिर तो मैंने उसे कह दिया था कि अगर आप मुझे कंफर्म नहीं करके दे सकते तो फिर मुझे टाइम पे बता, तो मैं किसी और से ले लेता, लेकिन फिर वो फजूल बकवास कर रहा था। तो ताहिर नाम है उसका, मॉडर्न चिक्स के नाम से उसका पेज है, आप खुद उसको देख सकते हो। तो बाकी बस छोड़ो, दफा करो उसको, आप ब्रीड देख लो। और ये मैंने नया शेड भी बनाया है, ये तकरीबन 50 ज़रबे इसकी जो वेट, मैं साइड से आपको तो बताता हूँ, इसकी जो लेंथ है ये तकरीबन 50 फीट है, और इसकी जो ये है वो तकरीबन 16 फीट है, तो ये 800 स्क्वायर फीट है। लेकिन हमारे पास सिर्फ ये, इसमें तकरीबन 170 फीमेल है और बाकी मेल है, क्योंकि मैंने तो 400 फीमेल लिए थे, लेकिन उस जालिम ने मेरे साथ धोखा किया था। सब बाकी बस छोड़ो, दफ़ा करो उनको, इंशाल्लाह उनको चैन नहीं आएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जब भी कोई माल लेना हो ना, तो खूब तसल्ली करके लो, हर किसी से ना लो। तो मैं आपको अपनी जो ब्रीडर है वो दिखाता हूँ। ये मेरा शेरू है, ये टेकन। तो मैं आपको अपने ये जो ब्रीडर है वो दिखाता हूँ, जिसे मैं अभी मतलब ईगो चिक सेल कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह आप इनकी क्वालिटी भी देख लो। ये तकरीबन 57 या 58 फीमेल है और 14 मेल है, तो आप क्वालिटी देख सकते हो। सो किसी भी भाई को अगर एग्स और चिक्स चाहिए हो ज़्यादा मकदार में, तो इंशाल्लाह जब मेरी वो ब्रीड तैयार होगी इंशाल्लाह 15-20 दिन में, तो मेरे साथ कांटेक्ट कर लो। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, तो आप मेरे साथ उधर कांटेक्ट भी कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, जब मैं इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर मैसेज जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, ताकि क्योंकि कॉल के लिए मैं ज़्यादातर फ्री नहीं होता, तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करो, तो मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही रिप्लाई करूँगा। सो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी ब्रीड आपको कैसी लगी उसके बारे में जवाब ज़रूर देना। बाकी ये मेरा फार्म आपको कैसा लगा, ये 25 मरली की जगह है, ये नई प्लांटेशन की है, ये मतलब नए प्लांट लगाए हैं, तो आप देख सकते हैं। सो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझसे उधर कांटेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।